दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मिस्टर खलीलुर रहमान। तो बिलाब नेटवर्क की एक बहुत बड़ी कुछ अपडेट है दोस्तों। कल जैसे एक इंटरनेशनल मीटिंग हुआ था, उमर खान आया था, पिछले एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता से मीटिंग नहीं हुआ था, कल मीटिंग हुआ था। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अपडेट मिल जाएगा, बने रहिए। सबसे पहले आप बिलाब एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद हमारा डेली जो वर्क होता है टैप टू अर्न लाभ दोस्तों, इसमें क्लिक करें। थैंक यू फॉर माय लाभ, आपकी वर्क आज की पूरा हो गया। तो चले जो भी अपडेट है, पहले अपडेट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो उसका ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें दिया हुआ है जे आबी की उमर खान की मीटिंग 23 अगस्त 2023। पहले तो उन्होंने बधाई दिया, चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ अपने चांद पे दोस्तों, चांद पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है इंडिया की और तमाम पूरा विश्व की लोगों को। ये काफ़ी कोशिश करने के बाद इस चीज़ को इंडिया ने हासिल किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ बताया, ये बुलेटो भी जो स्टार्ट हुआ था पहले, तो कुछ ऐसा चीज़ों की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो बुलेटो आने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा और चांद पे पहुंचने वाला है। मतलब काफ़ी अच्छा आप लोगों को इनकम होगा। उन्होंने ऐसा भी चीज कर लिया, बता दिया जो आप लोगों को 300 सालों में जो चीज़ नहीं मिला है वो बुलेटो में मिलने वाला है। मतलब सोच देखिए, और प्रोजेक्ट क्या है वो डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया। बहुत सारे लोग, हम लोग बोल देता है जो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उन्होंने हकीकत बता दिया था। छोटा सा एग्जांपल उन्होंने बताया, जो कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप बताइए शुरू शुरू कंपनी में कुछ बेनिफिट होता है, उसके बाद कंपनी को कुछ नहीं मिलता है, तो क्या उसका वेबसाइट चलाना, डेवलपमेंट करना खर्चा कौन भरेगा? कंपनी भरेगा। और कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मतलब उसी तरह से अगले 2-4 साल के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को कंपनी चेंजेस कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन बुलेटो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका बीबॉन्ड इस्तेमाल होगा। अरे इसका खुद का एक प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, कम से कम 40 प्रोजेक्ट आएगा। तो हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करें जैसे बुलेटो लॉन्च होगा आप लोगों को पहले पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने LPL के बारे में बताया, जो दुनिया में पहली ऐसा टीम है जो पहली मर्तबा उस टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने उस कप को विनिंग किया और जीता भी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये उसका नहीं है, पूरा जो इनोवेशन फैक्ट्री का जो भी मेंबर है सब के लिए। और इसका जो सपना है, जो 500 दिन तक हमें बिलाब की एक पहचान कराना था, तो ऑलरेडी बिलाब कैंडी का जो इन्होंने टूर्नामेंट के हिस्सा लिया वो 10 साल तक टीम लिया दोस्तों। 10 साल तक ऐसे ही बिलाब के नाम चलते ही जाएगी, और बिलाब विल स्टिल वन 100 एक्सचेंज ऑन द 500 डे एंड $2। उसका एक ही मकसद है, बिलाब को 500 दिन के बाद 100 एक्सचेंज में लिस्टेड होगा और भी $2 में लिस्टेड होगा। और डेक्सा विल बी लाइव विद इन ए फ्यू डेज। डेक्सा आप लोगों को बीच में बहुत ही जल्दी लाइव हो रहा है। और एक जो बड़ी बात दोस्तों है, उसका अगला प्रोजेक्ट जो आ रहा है सुपर 11, वो बहुत ही जल्दी आ रहा है। सुपर 11 आ रहा है, और सुपर 11 प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले इतना बड़ा धमाका किया है, किसी भी ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म अब तक नहीं किया है। वर्ल्ड कप की बात, सबसे बड़ी इवेंट होता है एशिया कप, जिसमें 6 कंट्री हिस्सा लेगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। 30 तारीख से शुरू हो रहा है, 30 अगस्त को दोस्तों। तो उसमें सुपर 11 टाइटल स्पॉन्सर होगा, जैसे सुपर 11 एशिया कप। तो आप लोग सोच लीजिए दोस्तों, जो इस प्रोजेक्ट में कितना लोग एंट्री करेगा, और इसका जो भी ब्रांड एम्बेसडर है वासिम अकरम है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उसका भी उन्होंने वीडियो करा है, ऑलरेडी तैयार कर दिया है। तो आप लोग सोच लीजिए, ये इनोवेशन फैक्टरी के सोच कितनी लंबा है दोस्तों। सिर्फ हमें इस सिस्टम पे बने रहना है और कुछ नहीं करना है।
तो सुपर 11 में आप लोगों को एशिया कप जो खेल देखोगी 50-50 ओवर की खेल है दोस्तों, और 50 ओवर में टाइटल स्पॉन्सर है, तो हर गेम में आपको सुपर 11 दिखाई देगा, आपको विकेट में दिखाई देगा। तो दोस्तों क्या मजा होने वाला है, मुझे लगता है दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन फैंटेसी क्रिकेट की जो ऐप्स है दोस्तों, अब सुपर 11 होने वाला है। क्योंकि अभी फेमस है ड्रीम 11, लेकिन ड्रीम 11 सिर्फ इंडिया में चलती है और ये पूरा वर्ल्ड में चलेगा, और इसका मकसद कुछ अलग है। ये एशिया कप से इसका मुझे लगता है तैयारी शुरू हो चुकी है, मतलब लॉन्च हो जाएगी, और अगले वर्ल्ड कप जो आ रहा है अक्टूबर में, तो उसमें देखना पूरा दुनिया से लोग इस सिस्टम पे जुड़ जाएगी, और अपने मन पसंद की खिलवाड़ी के साथ उन्होंने इसमें खेलेगी, तो मुझे लगता है जे 100 करोड़ लोग ज्यादा दिन नहीं लगेगी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। उसके बाद उन्होंने बुलेटो लॉन्च के बारे में, व्हेन इज ए बुलेटो लॉन्च इन श्योरली चेंज योर लाइफ इन आवर लीडर्स एंड कम्युनिटी। जब बुलेटो लॉन्च हो जाएगी दोस्तों, तो 100% श्योरली के साथ बता रहा है जे सभी लीडर एंड कम्युनिटी का लाइफ चेंज हो जाएगी। बुलेटो आज स्पॉन्सर इन LPL 2023। लॉन्च होने से पहले बुलेटो ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप कर चुका है, जो आप लोग देखा है LPL में, लंका प्रीमियर लीग में बुलेटो का ऐड चला। अब रिसेंट में चल रहा है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ODI सीरीज में, जैसे आज भी एक खेल होना है, पहले दो दिन पहले खेल हो चुके हैं, तो उसमें भी बुलेटो स्पॉन्सर चल रहा है। वन द एशिया कप 2023 एंड वन 17 सितंबर, ये एशिया कप कब खत्म होगा, 17 तारीख को 2023 को, और 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक एक अच्छी इवेंट होगा दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर के साथ, जो दुबई में कोका कोला एरिना ग्राउंड में इवेंट होगा। तो हो सकता है उससे ही बड़ी कुछ अनाउंसमेंट के साथ बुलेटो की भी लॉन्चिंग हो जाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ही अच्छा खबर यह है, जो भी बंदा थाईलैंड टूर, दुबई टूर अचीव किया था, उन तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में जाने के मौका मिल रहा है। तो यही न्यूज़ था दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहा है जिस प्रोजेक्ट पूरा दुनिया में फेमस है। बिलाव नेटवर्क, LPL में टीम लिया, 10 साल की कॉन्टैक्ट किया, पूरा दुनिया उसको देखा, और अब बुलेटो की जो हो रहा है उससे भी पूरा दुनिया ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो आ रहा है सुपर 11 दोस्तों, तो इससे भी एशिया कप जो देखेगा तो पूरा दुनिया अब देखेगा, और कितना ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करेगा आप सोच भी नहीं सकता। तो आप लोग बने रहे, जैसे इसका भी सुपर 11 का एप्लीकेशन रिलीज होगा तो आप लोगों को मिल जाएगी, और मेरे साथ आप लोग जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको रेफरल लिंक मिल जाएगी, तो आपको 100% गाइड भी मिल जाएगी।